स्टोरी विथ अरुण की विशेष पेशकश। मेरी कहानियाँ मेरे अल्फाज। इस प्रोग्राम में आज आप लोग सुनेंगे दिल को छू लेने वाली एक बहुत ही हृदय स्पर्शी और संवेदनशील कहानी इंतजार, अब से बस कुछ ही पलों के बाद। स्टोरी विथ अरुण पर आप लोग सुन रहे हैं मेरी कहानियाँ मेरे अल्फाज, आरजे अरुण के साथ। आज की कहानी इंतजार। इंतजार, ये शब्द अपने आप में ही कितना स्पेशल है ना। हर इंसान अपने लाइफ में कई बार इससे वाकिफ हुआ होता है। कभी कभी किसी विशेष परिस्थिति में किसी का इंतज़ार करना अच्छा लगता है, लेकिन जब ये इंतज़ार कई पल, इंतज़ार का ये पल धीरे धीरे मिनटों से गुजरते हुए घंटों से हफ्तों में बदल जाए, और फिर हफ्तों से महीने, और फिर महीनों से सालों और सदियों के लम्हों में सिमट जाए, तो यही इंतज़ार इंसान को व्याकुल और बेचैन कर देती है। किसी अपने के लौट आने की उम्मीद पे बिताए हुए इंतज़ार का एक एक लम्हा सदियों जैसा लगता है, और फिर कई बार इसी उम्मीद और इंतज़ार की डोर हमारे जीवन की सांसों की डोर से जुड़ जाती है। कलैया के एक कॉलोनी में रहने वाले 55-60 वर्ष के बुजुर्ग दंपति भी अपनी जिंदगी की कुछ ऐसी ही उदास और उजाड़ इंतज़ार के लम्हों में अपना दिन काट रहे थे। ये बुजुर्ग दंपति थे 60 साल के मिस्टर राजेश मान जी और उनकी 55 वर्षीय धर्मपत्नी कल्याणी जी। ये दोनों दंपति कलैया के एक कॉलोनी में रहते थे। कलैया नेपाल के 12 जिला में स्थित था। मध्य वर्गीय फैमिली से ताल्लुक रखने वाले राजेश मान जी के घर में भौतिक सुख सुविधाओं के सारे सामान मौजूद थे। किसी भी चीज़ की वहाँ पे कमी नहीं थी। घर में टीवी, डिश, इंटरनेट, वाईफाई, टेलीफोन सेवा, वॉशिंग मशीन, फ्रिज आदि भौतिक सारी चीज़ों की, रोज़मर्रा के ज़िंदगी की सारी अति आवश्यक चीज़ें वहाँ पे मौजूद थी। फिर भी न जाने कैसी एक बेचैनी सी, एक उदासी और घुटन भरी जिंदगी जी रहे थे ये दोनों। इन दंपति की अकेलापन ही इनके बेचैनी और उदासी का सबसे बड़ा कारण था। घर में सुख सुविधा के सारे चीज होते हुए भी इनके जीवन में खुशी नहीं थी, उदासी थी, बेचैनी थी, एक तड़प था। वृद्धा अवस्था यानी कि बुजुर्गपन, ओल्ड एज, यह हमारे जिंदगी का वो पीरियड होता है जहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा अपने और अपनों के प्यार दुलार की ज़रूरत होती है। ऐसे वक्त में हमें हर उन रिश्तों से गहरा जुड़ाव और लगाव हो जाता है जो हमारे दिल के सबसे ज़्यादा करीब होते हैं। बुढ़ेस काल जीवन का एक ऐसा पल होता है, एक ऐसा समय होता है जहाँ पे आदमी अपनी सारी जिम्मेदारियाँ, काम, जॉब और इकोनॉमिकल अथॉरिटी से मुक्त होकर अपने घर, परिवार, फैमिली, बच्चों,
और अपनों के बीच रहना चाहता है। सारे परिवार और फैमिली के साथ एकजुट होकर हर पल उनके साथ रहने की इच्छाएं होती है। वृद्धावस्था ऐसा ही होता है। सारी उम्र सारे जिंदगी कमाते रहने वाला इंसान, ये जिंदगी का एक पल ऐसा आता है जहाँ पे एक ठहराव होती है, जहाँ पे कुछ सुकून भरी जिंदगी की उम्मीद होती है, सारी जिम्मेदारियों से मुक्ति होती है, बच्चों में परिवार वालों के बीच एक शांति और सुकून से जीने की आसरा होती है। लेकिन आज के इस भाग दौड़ भरी जीवन और एडवांस हो चुकी लाइफ स्टाइल में कहीं ना कहीं ये रिश्ते और अपनापन खोसा गया है। हाई फैसिलिटी जॉब, डबल शिफ्ट काम, भाग दौड़ भरी जिंदगी और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने के जोश और जुनून के नीचे अपनों का साथ, प्यार और ये संवेदनशील रिश्ते कहीं दब से गए हैं। राजेश मान जी और उनकी पत्नी भी जीवन की इसी त्रासदी के शिकार थे। आज भी उन दोनों के सुनी आंखों में अपने इकलौते बेटे ऋतिक के लौट आने का इंतजार है। वही बेटा जो कभी एक पल के लिए भी अपने माँ बाप से अलग नहीं रह पाता था। इस दंपति की आंखों का तारा और इनके बूढ़े काल का आखिरी सहारा, इनकी लाठी वहीं था, इनका इकलौता बेटा ऋतिक। लेकिन आज वो भी इनसे बहुत दूर जाकर सात समुंदर पार अपनी जिंदगी की हसीन सपने पूरे करने में लगा था। राजेश मान जी ने अपने बेटे को ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई करवाया था। वो चाहते थे कि ऋतिक आगे पोस्ट ग्रेजुएट करे, लेकिन ऋतिक को आगे की पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा। पढ़ाई तो एक बहाना था, उसे तो शुरू से ही इस शहर, इस घर, इस परिवेश और देश में मन नहीं लगता था। उसके लिए एक मिडिल क्लास फैमिली में होना ही किसी सजा से कम नहीं था। उच्च महत्वाकांक्षा के शिकार ऋतिक के सपने हमेशा से बड़े थे और अपने उसी सपनों को साकार करने के लिए वो हर संभव कोशिश भी कर रहा था। वो नहीं चाहता था इस देश के और इस परिवेश में रहने के लिए, वो हमेशा विदेश रहना चाहता था, विदेशी तौर तरीके में जीना चाहता था। ज़्यादा से ज़्यादा भौतिक सुख सुविधाओं के उच्च महत्वाकांक्षा में वो अमेरिका जाने की चाह में दिन रात कोशिश में लगा हुआ था। और इसी बीच एक बार उसका लक ने भी उसका साथ दिया और ऋतिक का डीवी लग गया यूएसए का। वो अक्सर दोस्तों की लहलही में पढ़कर अमेरिका जाने और ढेरों पैसे कमाने और सुख सुविधा की लाइफ जीने के लिए डीवी में फॉर्म भरता था। कई साल का निराशा के बाद आज आखिर ऋतिक का डीवी लग ही गया था और उसे अमेरिका जाने की अपॉर्चुनिटी मिल ही गई थी। वो बहुत खुश था। वो हमेशा से यही तो चाहता था कि उसके पास भी महंगे महंगे कपड़े हो, अपनी खुद की कार हो, स्टाइलिश लाइफ स्टाइल हो और एक हाई प्रोफेशनल लाइफ। इसी उच्च महत्वाकांक्षा में, इसी सोच और कल्पना में उसने अपने जिंदगी की कितने साल गुजार दिए थे। उस दिन ऋतिक बता नहीं सकता था कि वो कितना खुश था। उसके सपने अब सच होने जा रहे थे। उसके लिए दुनिया की सबसे बड़ी और शक्तिशाली देश अमेरिका का वीजा लग गया था और वहाँ के दरवाजे अब ऋतिक के लिए खुल चुका था। अपनी खुशी, जोश और
उत्तेजना में ऋतिक अपने माँ बाप की फीलिंग को समझ ही नहीं पाया। उसे तो ऐसा लगता जैसे अमेरिका देश अपनी दोनों बाहें फैलाए ऋतिक को पुकार रहा है, उसे बुला रहा है। वो नहीं समझ पाया कि मेरे बाद मेरे पीछे मेरे माँ बाप का क्या होगा। ऋतिक को उसकी खुशियाँ, उसके सपने और उसके लक्ष्य तो मिल रहा था, लेकिन इन खुशियों की पैमाने क्या थे ये अभी उसके समझ नहीं आया था। राजेश मान जी कभी नहीं चाहते थे कि उनका इकलौता बेटा उनसे इतने दूर सात समुंदर पार जाके रहे, अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेश में जाकर वहाँ की गुलामी करने से अच्छा वो अपने देश में रहकर कुछ करने को बड़ा समझते थे। भले ही अमेरिका जितना ज़्यादा पैसे ना मिले, लेकिन सारा परिवार और फैमिली एक दूसरे के आँखों के सामने एक साथ तो रहेंगे, एक छत के नीचे सुकून से तो रहेंगे, एक साथ रहकर कम पैसों में गुजारा करके सुखी रहने से ज़्यादा अपने परिवार से दूर रहकर ज़्यादा पैसों के साथ अकेलापन में रहना कभी ज़्यादा खुशी नहीं देती। वो परिवार को जोड़कर रखना चाहते थे, सब साथ मिलकर रहना चाहते थे। रीति के बूढ़े हो चुके माँ बाप कम पैसों में भी गुजारा कर लेते, उन्हें तो बस अपनी जिंदगी के अंतिम दिन अपने बेटे के साथ गुजारने थी, एक साथ पूरा परिवार मिलकर रहना चाहते थे। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि को छोड़कर वो कहीं भी जाना नहीं चाहते थे और ना ही रीति को अकेले इतने दूर जाने देना चाहते थे। लेकिन इस बात को रीति को भला कौन समझाता, उसके सिर पे तो जैसे अमेरिका का भूत सवार था, उसके लिए ये कोई बड़ा अवसर और उपलब्धि से कम नहीं था। अपने पेरेंट्स और माँ बाप को जिंदगी के उजाड़ राहों में अकेला छोड़कर इनसे दूर जाती आज की जेनरेशन पता नहीं कौन सी उपलब्धि को पा लेते हैं। जिंदगी के अंतिम पड़ाव और जिस उम्र में हमारे माँ बाप सबसे ज़्यादा हमारे साथ प्यार और केयर की ज़रूरत होती है, उम्र के उसी पड़ाव में आखिर क्यों हम सब उन्हें अकेला छोड़ जाते हैं। उम्र के जिस दौर में हमारे माँ बाप को सबसे ज़्यादा हमारी ज़रूरत होती है, उसी दौर में आज की हमारी ये जेनरेशन आखिर क्यों उन्हें अकेला छोड़ जाता है। क्या दुनिया में माँ बाप से बढ़कर भी कुछ इम्पोर्टेंट और उपलब्धि मुल्क कोई चीज़ हो सकती है क्या? क्या रुपया, पैसा, धन दौलत, महंगे कपड़े, गाड़ियाँ, सुंदर घर, फ्लैट और भौतिक सुख सुविधाएं के ये सारे सामान एक माँ बाप के प्यार और अपनापन की रिश्तों से बढ़कर हैं? ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। लेकिन शायद ऋतिक इस बात को अपनी उच्च महत्वाकांक्षा मान और मानसिकता से समझ चुका था, तभी तो उस दिन जाने वाले दिन अपनी माँ बाप की सुनी आँखों को पढ़ ना पाया, उन आँखों से बहते आंसुओं का मर्म समझ ना पाया। अपने बेटे की खुशी के लिए अपने चेहरे पर एक झूठी मुस्कान के साथ राजेश मान और कल्याणी ने अपने बेटे को एयरपोर्ट से विदा किया था। जाते वक्त रीति के आँखों में ढेर सारे सपने, उम्मीद और आकांक्षाएं थी। वो जिंदगी का हर सुख, हर सुविधा पा लेना चाहता था। उसके सपने बहुत दूर के थे, उसकी इच्छा, आकांक्षाएं, उसकी महत्वाकांक्षाएं बहुत दूर तक थी। तो वहीं दूसरी ओर उसके माँ बाप की नम आँखों में अपने इकलौते बेटे का सही सलामत एक बार फिर से बहुत जल्द लौट आने का इंतजार था।
इंसान अक्सर अपने लक्ष्य और सपने को पूरा करने की चाह में बहुत आगे निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपने कई सारे पुराने रिश्ते और नाते। और फिर वही इंसान जब कोई बड़ा आदमी बन जाता है, धन दौलत रुपए पैसे और रुतबे और शोहरत की कोई कमी नहीं रहती, फिर भी कहीं ना कहीं एक अकेलापन सा रहता है जिंदगी में, एक सुनापन सा, एक खालीपन। क्योंकि धन और दौलत से कमाए गए रिश्ते कभी भी अपने खून के रिश्ते से बड़ा नहीं हो सकता। ऋतिक जा चुका था अपने बूढ़े हो रहे माँ बाप को अकेला छोड़कर अपने सपने और लक्ष्य को पूरा करने के लिए उस देश में जहाँ पे जाना उसका हमेशा से एक ख्वाब रहा था। अब वो अमेरिका की धरती पे था, नई जगह, नए लोग, नए माहौल, रीति के लिए यहाँ सब कुछ नया था। फिर भी उसने हार नहीं मानी, उसके पास अपने लक्ष्य और सपने को पूरा करने के लिए साहस था, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ एजुकेशन में ग्रेजुएशन तक की डिग्री भी थी। उसे बहुत जल्द वहाँ की एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी पोस्ट पर जॉब भी मिल गई। अब वो वहाँ पे मन लगा कर काम करने लगा था। और इधर घर पर रीति के माँ बाप अब अकेले रह गए थे। रीति अक्सर उन लोगों से फोन पे बातें करता और पैसे भी भेजता रहता। रीतिक ने अपने पेरेंट्स के लिए टीवी, फ्रिज, इंटरनेट, वाईफाई, वॉशिंग मशीन और भी भौतिक की कई सारी सुख सुविधाओं की चीज़ों का बंदोबस्त भी कर दिया था। लेकिन बावजूद इन सब के राजेश मान जी और कल्याणी की जीवन में एक अकेलापन और सुनापन सा बना रहता था। जब वो पड़ोस के घरों में दूसरों के बेटे बहू और उनके नाती पोते को हंसते खेलते एक साथ देखती तो दिल में एक आह और तीस सी उठती। उन्हें भी ऐसा लगता कि काश उनके भी बेटे बहू उनके साथ होते और वो भी अपने नाती पोते के साथ खेलते। लेकिन अगले ही पल यथार्थ की उजालों में रात का सपना जैसे गायब हो जाता। ऋतिक दूर रहकर भी पैसों और सुख सुविधाओं जैसे आराम की भौतिक चीज़ों से अपने माँ बाप को खुश रखना चाहता था, उनके जीवन के खालीपन को दूर करना चाहता था। लेकिन वो कभी ये समझ ही नहीं पाया कि उसकी पेरेंट्स की असली खुशी ये धन दौलत और रुपए पैसे नहीं, बल्कि वो तो उसका साथ और प्यार चाहते थे, अपनापन और दुलार चाहते थे। लेकिन रीति अपने माँ बाप के इस फीलिंग को कभी समझ ही ना पाया। इसी तरह दिन बीतते जा रहे थे। अपने पड़ोस के घरों में एक साथ मिलकर रह रहे सब लोगों को देखते हुए कल्याणी की आंखें अक्सर नम हो जाती, अपने बेटे की यादों में अक्सर दुखी हो जाती। हम सब भी अक्सर काम और जॉब के सिलसिले में घर से बाहर आते हैं तो कभी कभी लेट नाइट घर पे आते हैं। अपनी इस रोजमर्रा की भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि घर में हमारी बीवी और बच्चों के अलावा भी कोई है, हमारे माँ बाप, जिनकी सुनी आंखें शाम के वक्त अक्सर घर की चौखट और दरवाजे पर हमारे इंतजार में होती है। बूढ़े हो रहे कई माँ बाप को अक्सर उनके ही औलाद उन्हें नज़रअंदाज कर रहे होते हैं। उन्हें लगता है
कि दो वक्त की खाना और तन ढकने के लिए कपड़े देकर वो अपनी सारी जिम्मेदारियों से अब मुक्त हो गए हैं। रहने के लिए अच्छा सा घर, पहनने के लिए शानदार कपड़े और स्वादिष्ट खाने, क्या बस यही है हमारी पेरेंट्स की नसीब? उनकी वजूद, उनकी तमन्नाएं, इच्छाएं, उनकी आकांक्षाएं और फीलिंग, क्या हमने कभी जाकर अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप से ये पूछा है कि उन्हें क्या चाहिए, उनकी खुशी किस चीज़ में है, उनकी खुद की सोच और आज़ादी किस चीज़ में है? नहीं, हमें फुर्सत ही नहीं। आजकल की इस भाग दौड़े भरी जिंदगी में हमें इतना टाइम ही कहाँ मिलता कि हम अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप के पास जाए, उनके पास बैठे, दो पल गुजारे, उनसे बातें करें। आखिर क्यों अपने संतान के जवान होते ही माँ बाप खुद को बूढ़े मान लेते हैं? शारीरिक रूप से भले ही वो जवान हो, पर मानसिक रूप से कहीं ना कहीं हम सब उन्हें ये एहसास दिलाते हैं कि अब उनका लड़का बड़ा हो गया है, उनके बच्चे जवान हो गए हैं और पेरेंट्स बूढ़े। आखिर क्यों है हमारी समाज की ये परंपरा? आज भी कई सारे पेरेंट्स को अपनी खुद की इच्छाएं मारकर अपने बच्चों की खुशी में हाँ में हाँ मिलाकर जिंदगी जीनी पड़ती है, अपने बहू बेटे की खुशी में अपनी खुशी तलाश करनी पड़ती है, उनकी इच्छा और आकांक्षाओं के अनुसार अपने इच्छाओं को चलाना पड़ता है, या फिर यूं कह लीजिए जैसे जिंदगी से समझौता करना पड़ता है। जब एक पेरेंट्स अपने बच्चों की खुशियों के लिए अपनी सारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, फीलिंग को मारकर उनकी हैप्पीनेस की फिक्र कर सकते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम बच्चे भी अपने पेरेंट्स की खुशियों की कद्र करें, उनकी इच्छाओं का कद्र करें? आज भी हमारे समाज में कई सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो समाज में दुनिया के सामने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान और खुशी लेकर आते हैं, दुनिया को दिखाने के लिए वो खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर दुख, दर्द, लाचारी और अकेलापन में वो कितना टूट रहे होते हैं, कितना विवश और लाचार होते हैं, वो किसी को बता भी नहीं पाते। आखिर क्यों होता है ऐसा हमारे समाज में? क्या माँ बाप अपने बच्चे और संतान को इसलिए पाल पोस कर बड़े करते हैं कि बड़े होकर वो उन्हें सहारा और सुरक्षा देने के बजाय उन्हें बूढ़े काल में अकेला छोड़ दे, अकेलापन और सुनापन की जिंदगी जीने पर आखिर क्यों मजबूर होते हैं हमारे पेरेंट्स? आखिर क्यों जीनी होती है उन्हें ऐसी जिंदगी? ऋतिक भी शायद अपने माँ बाप की फीलिंग्स को समझ नहीं पाया, उनके लिए पैसों रुपए के साथ ढेर सारी गिफ्ट और सामान भेजता रहता था, लेकिन कभी भी अपने पिता राजेश मान और माँ कल्याणी की दिल की आवाज़ को सुन नहीं पाया। समय बीत रहा था, समय कहाँ रुकता है किसी के लिए, ये तो पंख लगाकर उड़ता चला जाता है, और इसी तरह समय भी बीत रहा था। रीति को गए अब 5 साल बीत गए थे, लेकिन राजेश मान और कल्याणी को अभी भी ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन उनका बेटा ऋतिक जरूर लौट के वापस अपने देश, अपने वतन वापस आएगा, फिर वो लोग बड़े ही धूमधाम से ऋतिक की शादी करेंगे, घर में ढेर सारी मेहमान आएंगी, गीत संगीत का माहौल होगा, ढेर सारी पकवान बनेंगी, और हम दोनों दंपति अपने इकलौते बेटे की शादी में खूब नाचेंगे, जश्न मनाएंगे,
ऐसे ही ना जाने कितने सपने सजाए बैठे थे ये दोनों दंपति अपने इकलौते बेटी की शादी को लेकर। हालांकि अक्सर फोन पर ऋतिक से बातें होती थी, लेकिन अब बीते दिनों के साथ ऋतिक से बातें भी कम हो चली थी। ऋतिक महीने दो महीने में एक बार फोन करता था, इधर से फोन करने पर वो बहुत बिजी बताता था। इन दोनों दंपति के सुनी आंखों में बस हर पल एक ही चीज का इंतजार रहा था, अपने इकलौते बेटे की वो वापस लौट आने का इंतजार। न जाने उनका ये इंतजार आखिर कब खत्म होता। लेकिन कहते हैं ना कि अक्सर जिंदगी में सब कुछ इंसान के सोचे जैसा ही नहीं होता, कुछ चीजें और घटनाएं बिन बताए ही हमारी जिंदगी में दस्तक दे जाती है, हम सोचे भी नहीं होते और हमारी जिंदगी का रुख बदल जाता है। इधर नेपाल में रह रहे रीति के माँ बाप अपनी सुनी आंखों में रीति की शादी के लिए ढेरों सपने और योजनाएं बनाए बैठे थे। राजेश मान और कल्याणी अक्सर तन्हाई के आलम में एक दूसरे से अपने बेटे रीति की शादी की बातें करते, प्लानिंग करते। न जाने कितने ही सपने और उम्मीदी थी इन माँ बाप को अपने इकलौते संतान की शादी की, लेकिन अगले ही पल सारी सपने, सारी ख्वाहिश और उम्मीदें टूट गए और सारे ख्वाब बिखर से गए। एक दिन इवेसे से हिरिति का फोन आया था। उसने फोन पर अपने माँ बाप को बताया कि उसने वहीं यूएसए में, यानी कि अमेरिका में ही एक अमेरिकन लड़की से शादी कर ली है। ऋतिक ने ये बात अपने पेरेंट्स को ऐसे सहज लहजों में बताया कि उसके लिए जैसे ये एक सामान्य सी बात हो। लेकिन इधर ये खबर सुनते ही ऋतिक के पापा राजेश मान और माँ कल्याणी की जैसे सारे सपने, उम्मीदें और ख्वाहिशें एक झटके में ही टूटकर चकनाचूर हो गया। ऋतिक ने उन्हें फोन पर बता दिया था कि वो यूएसए में ही एक अमेरिकन लड़की से शादी कर चुका था। इस बात की कल्पना राजेश मान और कल्याणी ने कभी नहीं की थी, क्योंकि उन्हें तो उम्मीद थी कि उनका बेटा लौट कर जरूर आएगा और फिर बड़े ही धूमधाम से वो अपने बेटे की शादी करेंगे। कितने सपने सजाए हुए थे, कितने उम्मीदें थी, लेकिन सारी उम्मीद, सारे सपने एक ही पल में टूटकर चकनाचूर हो चुकी थी। जो माँ बाप अपने बच्चों की छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरा करने के लिए अपनी जीवन के बड़ी से बड़ी खुशियाँ कुर्बान कर देते हैं, वही औलाद बड़ा होकर अपनी जिंदगी का कोई भी छोटा या बड़ा फैसला करने से पहले उन्हीं माँ बाप से एक बार भी पूछना या उन्हें बताना जरूरी क्यों नहीं समझता? आखिर क्यों? हमेशा से यही रवैया रहा है हर संतान का अपने माँ बाप के प्रति। जो बच्चे छोटे में बगैर अपने पेरेंट्स के जीवन का एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते, वही बच्चे बड़े होते ही आखिर क्यों अपने जिंदगी की हर कदम ही माँ बाप से दूर कर लेते हैं? आखिर क्यों? आज मौसम का रुख काफ़ी बदल चुका था। बाहर
तेज तूफान के साथ मूसलधारे बारिश हो रही थी। राजेश मान अपने घर के बालकनी में बैठे शून्य में ताकते हुए बाहर के मौसम को देख रहे थे। आसमान में चमकती बिजलियां और तेज तूफानी हवाएं, ऐसा लगता जैसे आज प्रकृति भी बहुत क्रोधित हो। लेकिन बाहर चल रहे इस तूफान से कई ज़्यादा तेज तूफान राजेश मान के मन के अंदर चल रहा था। वो अपने जिंदगी के अब तक की सारी घटनाओं को एक बार फिर से मनन कर रहे हो, जैसे उनके जीवन की अब तक की सारी उपलब्धियां और जो कुछ खो दिया, उन सारी चीज़ों का जैसा लेखा जोखा खुद से ही कर रहे हो। उन्होंने अब तक की जिंदगी में क्या खोया था और क्या पाया, इस चीज़ को जैसे वो समझ नहीं पा रहे थे। अपने इकलौते बेटे का लौट आने की इंतज़ार करती उनकी मानसपट में अचानक बचपन का एक घटना याद आ गया। उस समय राजेश मान खुद 17 साल के थे और कॉलेज की पढ़ाई के लिए उन्हें घर से दूर हॉस्टल जाना पड़ रहा था। उस दिन घर में कितनी उदासी पसरी हुई थी। घर की सारी औरतें सजल आंखों से राजेश मान को विदा कर रही थी। माँ ने खाने पीने की तमाम चीज़ें बैग में पैक कर दिया था और फिर माँ की प्यार और चिंता भरी ढेर सारी नसीहतें, वहाँ जाकर ये मत करना, वो मत करना, टाइम पे खाना खाते रहना, ज़्यादा बाहर मत घूमना, अपनी सेहत का ध्यान रखना, टाइम पे सो जाना, लेट नाइट तक जागते मत रहना और टाइम टाइम पे हमें कॉल करते रहना, और ऐसे ही ना जाने क्या क्या नसीहतें। माँ की इतनी सारी नसीहतें, इन सब बातों में माँ का प्यार अपना पर और उनकी फिक्र साफ झलक रहा था। माँ शायद होती ही ऐसी है, हर पल अपने बच्चों और संतान के लिए चिंतित और फिक्रमंद। एक माँ के लिए उसकी संतान जब से उसकी उंगली पकड़कर चलना सीखता है, तब से लेकर जब तक माँ की अंतिम सांसें न रुक जाए, तब तक वो सिर्फ और सिर्फ अपने संतान के लिए फिक्र और चिंतित रहती है। माँ की सारी उम्र तो जैसे अपने बच्चे की चिंता फिक्र और परवाह करते करते ही कट जाता है। माँ होती ही ऐसी, प्रकृति की एक बहुत ही अनमोल और नायाब तोहफा है माँ। और पिताजी, वो वहीं सामने खड़े थे, मेरे रहने और खाने के सारे इंतजाम पिताजी ने ही कर रखा था। मुझे विदा करते वक्त जहाँ घर के सारे लोगों की आंखें नम थी, वहीं पिताजी ने मुझे बड़े ही सहज और शांत तरीके से विदा किया। रोए बिल्कुल भी नहीं, शायद ये उनकी मर्दांगनी को शोभा नहीं देती। लेकिन जाते वक्त जब मैंने दूर सड़क से एक आखिरी बार पिताजी की ओर देखा, तो उनकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी, चिंता, फिक्र, प्यार और अपनापन दिखाई दी थी मुझे। ये पिताजी का वो दर्द था जो अपने संतान से दूर होने की वजह से उनकी आंखों में साफ झलक रहा था, जिसे शायद वो सबसे छिपाना चाहते थे। पढ़ाई के कारण 5 सालों तक मैं अपने घर परिवार से दूर रहा था। तब शायद मेरे भी माँ बाप मेरे लिए ऐसे ही तड़पे होंगे जैसे कि आज मैं अपने बेटे के इंतज़ार में तड़प रहा हूँ। अचानक आसमान में एक तेज चमकती बिजली की आवाज़ से राजेश मान की तंद्रा भंग हुई।
वो अपने बच्चे की अतीत की सुनहरी यादों से जाकर अपने बुढ़ापे की कड़वी यथार्थ में वो वापस आ गए। लेकिन यथार्थ में जीना तो और भी मुश्किल था। पता नहीं क्यों उनके लिए ये विश्वास कर पाना काफ़ी मुश्किल हो रहा था कि उनका बेटा ऋतिक बिना उन्हें बताए अपनी मर्जी से शादी कर लिया है। एक ही पल में इन माँ बाप के सारे उम्मीद और सपने टूटकर बिखर गए। कॉलोनी में अक्सर ये दोनों दंपति सबसे कहते कि अपने बेटे ऋतिक के शादी में ये बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे और सबको बुलाएंगे, बहुत ही धूमधाम से शादी होगी हमारे बेटे की, अपने बेटे की शादी में खूब नाचेंगे गाएंगे खुशियां मनाएंगे। लेकिन उनका ये ख्वाब अब कभी पूरा नहीं हो सकता था क्योंकि उनका बेटा बाहर विदेश में ही अपनी मर्जी से बिना उन्हें बताए शादी कर चुका था एक अमेरिकन लड़की से। सोचते सोचते अचानक उनकी आंखें नम हो उठी। जिस बेटे की परवरिश और खुशियों के लिए अपनी सारी जिंदगी दांव पे लगा दी, आज उसी बेटे ने जिंदगी की इस अकेलेपन और बुढ़ापे में छोड़कर दूर चला गया था। आखिर क्यों? क्या उसे एक बार भी अपने इस बूढ़े माँ बाप की परवाह ना हुई? जिंदगी के अब इस मुश्किल सफर में हम दो बूढ़ा किसके सहारे अपनी जिंदगी बिताएंगे? सारी उम्र जिस औलाद को पाल पोस कर उसे काबिल बनाने में बिता दिया, उसी औलाद को जब हमें सहारे देने का वक्त आया तो दुनिया के इस अकेले भीड़ में छोड़कर पैसे कमाने दूर चला गया। ज़्यादा पैसे, ज़्यादा सुख सुविधाएं और ऐसे आराम की चाह में खुद अपने ही औलाद ने माँ बाप की जिंदगी और उनकी खुशियों को दांव पर लगा दिया। एक कैसी विडंबना और त्रासदी थी दुनिया की, एक कैसी रीति थी इस समाज की, एक कैसी परीक्षा थी जिंदगी की, ये बात राजेश मान समझ नहीं पा रहे थे। जब से ऋतिक ने उन्हें बताया था कि वो वहीं विदेश में ही शादी कर लिया है, तब से राजेश मान और कल्याणी घर से ज़्यादा निकलना ही बंद कर दिए थे। राजेश मान तो दिन भर अपने काम में कमरे में पड़े रहते थे, उन्हें अब किसी भी चीज़ में दिलचस्पी नहीं लगती। बेटे से दूर रहने का गम उन्हें अंदर ही अंदर मार रहा था। वो किसी से कुछ कहते नहीं थे, लेकिन ये अकेलापन और सुनी जिंदगी से अब वो निराश हो चुके थे। अब हर पल रीति की यादों में ही राजेश मान का वो वक्त कटता रहा था। वो चुपचाप अपने कमरे में बैठे रीति के बचपन के दिनों को अक्सर याद करते और उसकी फोटो वाली एल्बम को अपने सीने से लगाए रहते। एक बार रीति के बचपन की एक याद ने फिर से राजेश मान को भाव विभोर कर दिया था। वो अतीत की उसी यादों में एक बार फिर चले गए थे। उस समय ऋतिक 2 साल का था और उसे टाइफाइड बुखार हो गया था। कितना परेशान हो गए थे राजेश मान और कल्याणी। शहर के सबसे बड़े डॉक्टर से दिखवाया था ऋतिक को, फिर उसकी हर दवाइयाँ और खाने पीने की हर छोटी बड़ी चीज़ों को कितने बारीकी से ख्याल रखते थे राजेश मान। रात रात भर जाकर उन्होंने ऋतिक की देखभाल की थी। रात भर बुखार में तपता ऋतिक राजेश मान के
बाहों को ही अपना सिरहाना समझता सोया रहा था। और सारी रात राजेश मान और कल्याणी ने जाग जाग कर उसकी पानी पट्टी करते हुए और उसकी नींद को पूरा करवाया। ऐसे ही ना जाने कितनी रातों को जाग जाग कर इन माँ बाप ने रीति की नींद को पूरा ख्याल रखा था। राजेश मान को अभी भी वो दिन याद था जब ही ऋतिक बचपन में बीमार पड़ता था, कितना चिड़चिड़ा और जिद्दी हो जाया करता था। फिर भी बिना उसे रोके टोके उसकी सारी जिद और ज़रूरतों को बिना कोई देरी करते, बिना कोई सवाल जवाब किए पूरा किया जाता था। बचपन के दिनों में कितनी फरमाइशें होती थी ऋतिक की, कितने नखरे होते थे। बचपन में ऋतिक सबसे ज़्यादा करीब अपने पापा का था। वो सारा दिन उन्हीं के पास रहता, उन्हीं से खेलता और अक्सर उन्हीं की गोद में सो भी जाया करता था। और जब कभी भी बीमार पड़ता तो जैसे राजेश मान की तो सामत ही आ जाती। बीमार ऋतिक पड़ता था लेकिन दुख दर्द और तकलीफें राजेश मान महसूस करते थे। बीमारी में वो लिपटा रहता और उस बीमारी के दर्द को राजेश मान महसूस करते। वो अपने बेटे ऋतिक पर एक हल्का खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। इतना प्यार और लगाव था उन्हें अपने बेटे ऋतिक से कि वो उसे शब्दों में बयां नहीं कर सकते थे। अपने बेटे से एक पल के लिए भी जुदाई वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। वही बेटा आज ज़्यादा धन संपत्ति और रुपया पैसा कमाने की चाह में ज़्यादा से ज़्यादा ऐसो आराम और सुख सुविधा भरी जिंदगी जीने की चाह में उन्हीं माँ बाप को अकेला छोड़ गया जिसे कभी वो बचपन में 5 मिनट के लिए भी दूर न रहा। उन्हीं पेरेंट्स को छोड़कर गए आज ऋतिक को पूरे 10 साल हो गए थे। लेकिन बीते दिनों के साथ आज भी राजेश मान और कल्याणी की आंखों में अपने बेटे की लौट आने का इंतज़ार बरकरार था। उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि उनका बेटा एक ना एक दिन ज़रूर लौट आएगा। रीति को गए आज पूरे 10 साल हो गए थे। समय कहाँ रुकता है किसी के लिए, वो तो निरंतर अपने गति से चलते रहता है। समय के इसी चक्र ने रीति को गए आज पूरे 10 साल हो चुके थे। ये 10 साल रीति के माँ बाप यानी कि राजेश मान और कल्याणी ने कितने दुख दर्द और तकलीफ में गुजारे थे, कितने सपने और उम्मीदों के साथ गुजारे थे कि उनका बेटा एक ना एक दिन ज़रूर लौट आएगा। और कहते हैं ना कि दिल से किया गया हर एक दुआ और उम्मीद एक ना एक दिन परवान जरूर चढ़ता है। शायद इस बूढ़े दंपति की दुआ भी भगवान ने आज कबूल कर ली थी शायद। तभी तो उस दिन अचानक से रीति का फोन आया और उसने राजेश मान को बताया कि अगले महीने की 5 तारीख को वो अमेरिका से वापस अपने घर नेपाल आ रहा है। जिस परिवार में रिश्तों की कदर नहीं होती, एक दूसरे की भावनाओं को अहमियत नहीं दी जाती, जहाँ पे बड़ों का आदर और सम्मान और छोटों को प्रेम और स्नेह नहीं दिया जाता, जहाँ एक दूसरे की फीलिंग्स की रिस्पेक्ट नहीं की जाती, वैसे परिवार में खुशियाँ कभी भी दस्तक नहीं देती। ऋतिक ने जब से फ़ोन पर ये बताया था कि वो अगले हफ्ते को USA से अपने वतन
अपने घर वापस आ रहा है। तब से उसके माँ बाप यानी कि राजेश मान और कल्याणी की खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। आखिर यही तो चाहते थे दोनों कि उनका बेटा ऋतिक जल्द से जल्द घर वापस लौट आए। ऋतिक को घर छोड़ कर गए। अब 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों में राजेश मान और कल्याणी ने कैसे एक एक पल एक सदियों के बराबर गुजारी थी अपने बेटे के इंतजार में, ये सिर्फ इन दोनों दंपति का दिन ही जानता होगा। लेकिन अब उनका बेटा वो वापस आ रहा था। अब सब कुछ ठीक होने वाला था। कल्याणी भावुकता होते हुए अपने पति राजेश से बोली, अब की बार मैं उसे फिर कभी इतनी दूर नहीं जाने दूंगी, हमेशा उसे अपने पास रखूंगी। इस पर राजेश मान थोड़ा हंसते हुए बोले, ठीक है भगवान, उसे मत जाने देना, पहले उसे वापस तो आ जाने दो। माँ कल्याणी ने अभी से उसके आने की सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी थी। घर की पूरी सर सफाई से लेकर खासकर रीति की कमरों को सजाया गया। उसके मनपसंद की सारी खाने पीने की चीज़ें माँ ने राजेश मान से बाजार से मंगवा लिया था। इन 7 दिनों में माँ कल्याणी के अंदर जैसे खुशी से एक नई ऊर्जा आ गई हो। एक्साइटमेंट होते हुए ये दोनों दंपति अपने बेटे की आने का उस 7 दिन एक एक पल बड़े ही बेसब्री से काट रहे थे। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान एक ही वक्त हर जगह नहीं आ सकते, इसलिए उसने माँ बाप को बनाया है। एक माँ के रूप में ईश्वर हर जगह होता है। माँ बाप अपने बच्चों की छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ लेते हैं और उनकी दुनिया अपने बच्चों की खुशियों तक ही सिमट के रह जाती है। और बदले में इसके हम संतान उन्हें क्या देते हैं? अकेलापन, तन्हाई, बेरुखी, तिरस्कार, अपमान और न जाने क्या क्या। जहाँ एक माँ बाप की खुशियाँ और उम्मीदें उनकी इच्छा आकांक्षाएँ अपने बच्चों की इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाती है, वहीं हम संतान हम बच्चे की इच्छा आकांक्षाएँ सात समुंदर पार चली जाती है। अपने माँ बाप को पीछे छोड़, उनकी कल्पनाओं को पीछे छोड़, उनके ममता प्यार और स्नेह को पीछे छोड़, हम बहुत आगे निकल जाते हैं। खैर, आखिरकार इन वक्त पर ऋतिक वापस आ गया था। ऋतिक ने जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया, माँ कल्याणी उसके सीने से लिपट गई। माँ बेटे दोनों ही अपने इमोशन को रोक ना पाए और पल के आंसुओं से भीग उठे। लेकिन ये आंसू खुशी के थे, इतने दिनों बाद अपनों से मिलने की खुशी। फिर ऋतिक ने जाकर अपने पिताजी राजेश मान के पैर छुए। राजेश मान ने उसे गले से लगा लिया। आंखें तो उनकी भी नम थी, पर वो किसी को इसका एहसास नहीं होने देना चाहते थे। तभी राजेश और कल्याणी ने देखा कि दरवाजे पर एक लेडी खड़ी थी। उन्होंने रीति को उधर इशारा करके पूछा कि ये कौन है। ऋतिक ने उसे घर के अंदर बुलाया और बोला, माँ, यही तो है आपकी बहू और मेरी वाइफ एनी। हम दोनों एक ही कंपनी में साथ काम करते थे। पहले तो हम दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर हम दोनों एक दूसरे की काफ़ी करीब आ गए और हमें ये एहसास हुआ कि शायद हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तो फिर हम दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली, कोर्ट मैरिज। एनी
काफ़ी खूबसूरत और गोरी चिट्टी लग रही थी। उसने पैर में खूबसूरत सी विदेशी जूती लगाई हुई थी, जींस और शर्ट लगाई एनी परफेक्ट अमेरिकन गर्ल दिख रही थी। ऋतिक ने उसे कहा, एनी ये मेरे पेरेंट्स हैं। एनी ने बड़े ही संजीदगी से उन्हें बोला, हेलो मॉम, हेलो डैड। ये देखते ही ऋतिक ने धीरे से एनी को किहुनी मारी और इशारे से उसे माँ पापा के पैर छूने को बोला और अगले ही पल एनी को सब कुछ याद आ गया। वो तुरंत झुक कर राजेश मान और कल्याणी के पैर छू लिए। ये सब चीज़ें बेशक ही राजेश मान और कल्याणी को कुछ अजीब सा लगा, लेकिन उनके लिए उनका बेटा अब घर लौट आया था, यही सबसे बड़ी बात थी। माँ ने रीति को अपने गले से लगाते हुए सजल आँखों से बोली, बेटे अब फिर कभी तुम हमें छोड़कर मत जाना, ये घर तुम्हारे बिना कितना सूना लगता है, हम दो प्राणी अकेले इस घर में कितने उदास और बेचैन रहते हैं, तुम्हारे पठाए हुए रुपए पैसे और इन सब चीज़ों में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है बेटा, हमारी सबसे बड़ी खुशी तो तुम हो बेटा, अब की बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये रुपए पैसे धन दौलत, मुझे बस मेरा बेटा चाहिए। ऋतिक कुछ कहना चाहता था लेकिन माँ की ममता और उसकी स्नेह के आगे अभी वो कुछ कह ना सका। उस रात सारा परिवार एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे जब साथ में खाना खा रहे थे तो अब ये घर सच में घर जैसा लग रहा था। बाप बेटे माँ और घर की बहू सब लोग एक साथ एक ही जगह पर बैठकर खाना खा रहे थे। माँ कल्याणी ने उस रात अपने हाथों से रीति को खाना खिलाया था। किसने सच ही कहा है कि परिवार की असली खुशी ढेर सारे रुपए पैसे और धन संपत्ति से नहीं बल्कि एक दूसरे के प्यार स्नेह रिस्पेक्ट अपनापन आदर और एक साथ मिलजुल कर रहने में होती है। परिवार की आपसी मधुर संबंध ही रिश्तों को और मजबूत बनाती है। अगली सुबह माँ कल्याणी किचन में एनी को देसी भाषा सिखा रही थी और बाहर बालकनी में राजेश मान और ऋतिक बैठकर चाय पी रहे थे। राजेश मान ने अपने बेटे ऋतिक से कहा, बेटे अब आगे का क्या सोचा है तुमने? ऋतिक ने सहज होकर कहा, किस बारे में पिताजी? राजेश मान बोले, यही कि अब आगे कहाँ रहना है, क्या करना है। ऋतिक ने जवाब दिया, पिताजी वापस वैसे तो हमें जाना ही पड़ेगा, अभी तो 3 मंथ की छुट्टी पर आए थे, फिर वापस जाना ही पड़ेगा। राजेश मान कुछ उदास से होते हुए बोले, बेटा क्या फिर से जाना जरूरी है? क्या यही नेपाल में रहकर कुछ नहीं कर सकते? ऋतिक ने थोड़े कड़े आवाज में कहा, यहाँ नेपाल में रखा ही क्या है पिताजी, दिन भर के कड़ी मेहनत के बावजूद वहीं 20-25 हज़ार की मासिक वेतन, उसे आज की जेनरेशन में क्या होता है, वहाँ मेरी मल्टीनेशनल कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पर परमानेंट जॉब है, मासिक सैलरी ही 2 लाख का है और फिर अब तो एनी से शादी करके अमेरिकन सिटीजनशिप भी मुझे मिल गई है, वहाँ की लाइफ हर हिसाब से बेहतर है पिताजी। राजेश मान अपने बेटे रीति को समझाते हुए बोले, बेटे भले ही वहाँ अमेरिका में यहाँ नेपाल से ज़्यादा सैलरी हो, अच्छी लाइफ स्टाइल हो, ज़्यादा सुख सुविधाएं हो, फिर भी अपना देश अपना वतन तो अपना ही होता है ना बेटा,
दुनिया की कोई भी सुख सुविधा और धन दौलत अपने मातृभूमि और जन्मभूमि से बढ़कर तो नहीं होती। ऋतिक ने जवाब दिया, ये सब तो बस कहने की बातें हैं पिताजी, पैसों के आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसे हैं वही आदमी सबसे ज़्यादा ताकतवर और महान है। भूखे पेट रहकर देशभक्ति और राष्ट्रगान नहीं की जा सकती पिताजी, और वैसे भी इतने सालों में यहाँ नेपाल में बदला ही क्या है, वहीं रोज़मर्रा की जिंदगी, सड़क पे ट्रैफिक की प्रॉब्लम, धूल मिट्टी और प्रदूषण से भरी सड़कें, बरसात में बाढ़ और कई सारी घटनाएं, कम सैलरी में दिन रात ऑफिस में बैलों की तरह खड़ते रहना, सब कुछ वैसा का वैसा ही तो है, कुछ भी तो नहीं बदला यहाँ। लेकिन देखिए आज अमेरिका कितना आगे है, हमारे देश की तुलना में कितना तरक्की कर ली है उसने, कितना कुछ बदला है वहाँ, कितनी बड़ी बड़ी और काबिले तारीफ विकास और तरक्की हुई है वहाँ, हमारे और वहाँ में कितना फर्क है। अपने बेटे रीति की ये सारी बातें सुनकर राजेश मान मन ही मन ये सोचने लगे कि भले ही नेपाल बदला या ना बदला हो बेटे, लेकिन तुम अमेरिका जाके जरूर बदल गए हो, क्योंकि अपने राष्ट्रभूमि और मातृभूमि के बारे में तुम्हारा ऐसा ख्याल और विचार पहले कभी ना था। लेकिन ये सारी बातें राजेश मान अपने बेटे से कह ना पाए, बस उन्होंने बुझे हुए मन से ऋतिक से इतना ही कहा कि बेटे, किसी भी देश का भविष्य उसका कर्णधार उस देश का युवा पीढ़ी होती है, उस देश का आन बान और शान वहाँ का जवान युवाएं होती है, वहाँ की गोल्डन फ्यूचर उज्जवल भविष्य राष्ट्र का भार और देश निर्माण का जिम्मा वहाँ की युवा जमात और स्टूडेंट की होती है। लेकिन जब अपने ही देश के युवा सब विदेशी चकाचौंध और हाई फैसिलिटी लाइफ स्टाइल और ऊंची मृग तृष्णा के लहर में विदेश पलायन होने लगे, तो फिर इस देश का विकास कैसे होगा बेटे, इस देश का भविष्य क्या होगा, जहाँ के सारे युवा ही उच्च मृग तृष्णा में उच्च महत्वाकांक्षा में विदेश पलायन होने लगे, यहाँ का भविष्य और फ्यूचर क्या होगा बेटे, जब ऐसे ही तुम जैसे देश के हर नौजवान यहाँ से विदेश पलायन होने लगे, ज़्यादा धन संपत्ति और ऐसो आराम के चाह में अपना वतन छोड़ने लगे, तो फिर देश निर्माण का जिम्मा कौन लेगा बेटे, कैसे होगी यहाँ विकास, कैसे आएगा यहाँ सुख शांति और अमन चैन, कैसे जागरूक होगी यहाँ की आम जनता और युवा पीढ़ी, आखिर देश निर्माण में तुम्हारा भी तो योगदान है, तुम्हारा भी तो कुछ फर्ज है बेटे। ये सारे बात राजेश मान के उस सुलगते हुए सवाल थे जिसका जवाब शायद ऋतिक के पास बिल्कुल भी ना था। वो चुपचाप वहाँ से उठकर अंदर चला गया, लेकिन राजेश मान का वो सवाल जैसे आज भी समय का एक कालचक्र बनकर हर ओर घूम रहा हो, और उन सुलगते सवालों के चीखे जैसे हर ओर गूंज रही हो। जब बाद में कल्याणी को ये बात पता चला कि ऋतिक सिर्फ 3 महीने की छुट्टी पर आया है और 3 महीने बाद वापस यूएसए लौट जाएगा, तो बहुत दुखी हो गई। उन्होंने रीति को बहुत समझाया, बहुत मनाया, लेकिन ऋतिक पर तो जैसे अमेरिका का भूत सवार था, और उसकी बीवी एनी भी अमेरिका से इसी शर्त पर वापस आई थी कि 3 महीने बाद फिर से दोनों को वापस लौट आना है। कल्याणी के लाख समझाने पर भी
जब ऋतिक वापस जाने का जिद नहीं छोड़ा तो माँ ने कड़े लहजे में बोली, ऋतिक क्या हमारे प्रति तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या एक बूढ़े माँ बाप के लिए उसके बच्चों की कोई कर्तव्य और जिम्मेदारी नहीं? क्या तुम्हारे दिए इन धन दौलत और रुपए पैसों से तुम्हारी सारी जिम्मेदारी और कर्तव्य पूरा हो जाता है? हम बूढ़े हो रहे हैं बेटे, इस उम्र में हमें अपनों की सहारे की जरूरत पड़ेगी। हम अकेले कैसे रह पाएंगे बेटे, हमें छोड़कर मत जा, ऋतिक ने माँ को समझाते हुए बोला। माँ उसकी टेंशन आप मत करो, हर एक महीने 50,000 का मनी ट्रांसफर भेजा करूँगा। आप चाहो तो उसे एक केयर टेकर भी रख सकते हो। माँ कल्याणी थोड़े गुस्से में बोली, बेटे क्या पैसों से रिश्तों की सारी गरिमा पूरा हो जाती है? एक दूसरे का प्यार, विश्वास, अपनापन और स्नेह भी इसे खरीदा जा सकता है क्या? इस बात का रीति के पास कोई जवाब न था, वो चुपचाप वहीं बैठा रहा। माँ फिर से बोली, बेटे हमें पैसे नहीं, हमारा बेटा चाहिए, उसका प्यार भरा साथ और अपनापन चाहिए। मैंने अपना जीवन का आखिरी वक्त अपने पूरे फैमिली के साथ रहना चाहती हूँ, अपने नाती पोते को गोद में खिलाना चाहती हूँ। अब हम बूढ़े हो रहे हैं बेटे, इस हाल में हमें अकेला छोड़कर मत जाओ तुम। ये अकेलापन, उदासी और बेचैनी हम दोनों को चैन से नहीं रहने देता। राजेश मान ने कल्याणी की बातों को बीच में ही काट कर कहा, बेटे रीति क्या यहीं नेपाल में रहकर तुम कुछ नया शुरू नहीं कर सकते? कोई नया बिजनेस या व्यापार, भले ही अमेरिका के जितने ज़्यादा पैसे ना मिले, लेकिन सब परिवार अलग और दूर रहकर ज़्यादा पैसे कमाने से अच्छा है कि सारे फैमिली एक साथ मिलकर रहे। भले ही कम ही पैसे हो, लेकिन परिवार में अपनापन और प्यार एकता तो बनी रहेगी ना। अपने माँ बाप की सारी बातें और नसीहतें सुनने के बाद ऋतिक कुछ ना बोला और चुपचाप वहाँ से उठकर अपने कमरे में चला गया। पैसों से बेशक हम अपनी सुख सुविधाओं के सारे चीज खरीद सकते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। उसे मन से अपनाकर दिल से निभाना होता है, क्योंकि रिश्ते नातों से बढ़कर कभी कोई धन दौलत और रुपया पैसा बड़ा नहीं हो सकता। रीति को वापस अमेरिका नहीं जाने देने के लिए अभी घर में बहस चल ही रही थी कि एक रोज की घटना ने और इस आग को और बढ़ा दिया था। उस रोज महाशिवरात्रि का दिन था। कल्याणी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा घर में बैठकर भगवान शिव के सारी पूजा विधि को संपन्न कर चुकी थी। सुबह के 8 बज चुके थे, लेकिन एनी अभी तक अपने कमरे में सो रही थी। जब काफ़ी देर तक एनी नहीं आई और अब तो सूरज भी निकल आया था, तो अब कल्याणी से रहा नहीं गया। वो परेशान सी रीति के कमरे में पहुंची। रीति वहाँ नहीं था, शायद मॉर्निंग वॉक पे गया होगा, लेकिन एनी अभी तक आराम से बिस्तर पर सो रही थी। कल्याणी ने उसे जगाते हुए आराम से कहा, बहू कितनी देर तक सोई रहोगी, सूरज निकल आया है और आज तो महाशिवरात्रि का दिन है,
भगवान शिव का विशेष थी। आज के दिन तो हर इंसान को सुबह जाकर नहा धोकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए बेटा, और तुम अभी तक सो रही हो। इन्हीं को सुबह सुबह अपनी सास कल्याणी की ये किटकिट और लेक्चर शायद अच्छी नहीं लगी। वो जाग तो गई लेकिन इतनी सुबह उसे नहाने की आदत न थी। उसने इरिटेट मूड में धीरे से कहा, मैं बाद में नहा लूँगी मम्मी। लेकिन कल्याणी फिर उसे समझाते हुए बोली, नहीं बहू, आज के दिन तो तुम्हें बिना नहाए किसी भी कमरे में प्रवेश करना उचित ना होगा, न पूजा घर में न किचन में, और वैसे भी आज शिव मंदिर भी तो चलना है हमें। रीति की लंबी आयु और इस घर की सुख संपत्ति के लिए हमें ये महाशिवरात्रि का व्रत करना होगा बहू। ओहो नो, एनी और इरिटेट होते हुए बोली, मुझसे नहीं होगा ये पूजा पाठ, ये फास्टिंग और ये सब बकवास कल्चरल ड्रामा। आप सबको जो करना है वो कीजिए, मुझे नहीं करना ये सब। और हाँ, आप प्लीज़ मुझे ये सब करने के लिए फोर्स भी ना करें। एनी विदेशों में पली बढ़ी एक मॉडर्न युग की आधुनिक लड़की थी। उसके यहाँ के कल्चर में ये सब नहीं होता था, उसके तो ये सब संस्कार ही नहीं थे, इसलिए उसने ये सब करने से साफ मना कर दिया था। एनी एक अमीर बाप की लड़की थी जिसने अमेरिका में ऋतिक से लव करके शादी किया था। उसने अपने अब तक की लाइफ में लेट नाइट तक पार्टी करना, सुबह देर तक सोते रहना, बाहर टूर पर घूमना और मौज मस्ती के साथ जिंदगी को एंटरटेनमेंट से जीना सीखा था। इसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी, उसकी तो परवरिश और संस्कार ही ऐसे थे, वे ऐसे माहौल में ही पली बड़ी थी। दूसरी ओर कल्याणी भी अपनी जगह सही थी, क्योंकि वो यहाँ के देसी संस्कार में पली बढ़ी, पूजा पाठ और आस्था के साथ मर्यादा और अनुशासन संस्कार की धरोहर में रहने वाली महिला थी। इन दोनों के विचार और कल्चर में कोई समानता ना थी, इसलिए इन दोनों की कोई गलती नहीं थी, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही थे। गलती तो रीति की थी जिसने बिना सोचे समझे और विचार किए एक फॉरेन कंट्री के पश्चिमी सभ्यता की लड़की से शादी किया था। अब या तो उसे वहाँ के कल्चर में ढलना था या फिर एनी को अपने जैसा बनाना था, पर इन दोनों ही रास्तों में कोई भी काम इतना आसान ना था। उस दिन इस घटना के बाद पता नहीं एनी ने रीति को क्या क्या कहा कि उसके अगले ही दिन ऋतिक वापस लौटने का प्लान कर बैठा। इतनी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ा फैसला, राजेश मान और कल्याणी स्तब्ध रह गए। अभिरीति की छुट्टियां एक महीने की बाकी थी, लेकिन एनी के बातों में आकर ऋतिक ने छुट्टियां खत्म होने से पहले ही वापस यूएसए जाने का फैसला अपने पेरेंट्स को बताई। बेचारे माँ बाप आखिर कर ही क्या सकते थे, सिवाय लाचारी और बेबसी से रीति को समझाने के सिवाय। लेकिन अगर ऋतिक इतना ही समझदार होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। ऋतिक और एनी ने अपना सारा सामान पैक किया और अगले दिन ही वापस जाने के लिए तैयार हो गए। कल्याणी और राजेश मान ने बहुत समझाया, यहाँ तक कि कल्याणी ने एनी से माफ़ी मांगते हुए भी कहा कि बहू, आज के बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगी, तुम्हें जैसे जी चाहे वैसे रहना घर में, तुमसे कोई कुछ ना कहेगा, लेकिन मेरे बेटे को मुझसे दूर मत करो, उसे वापस मत ले जा, यहीं रहने दो, मैं तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगी,
तुम अपनी मर्जी से जैसे भी चाहो रहना। लेकिन एनी टस से मस न हुई। उसे तो इस कैद खाने में नहीं रहना था। वो आज़ाद पंछी की तरह उड़ना चाहती थी, अपने तौर तरीके से जीना चाहती थी, और ये सब यहाँ नेपाल में उसके लिए संभव नहीं था। और इसलिए वो रीति के साथ वो वापस अमेरिका लौट जाना चाहती थी। ऋतिक और एनी ने अपना सारा सामान पैक किया और अगले दिन ही वो वापस लौट आए। एक बार फिर अपने बेबस और लाचार माँ बाप को रोता बिलखता अकेला छोड़कर ऋतिक एनी के साथ युवा से लौट आया था। ये औलाद आखिर इतने निष्ठुर और निर्मम कैसे बन जाते हैं, जो माँ बाप इन बच्चों को इनकी छोटी छोटी उंगलियाँ पकड़कर इन्हें जीवन की पहली कदम बढ़ने में इनके मदद करते हैं, तो और यहीं औलाद बड़े होकर उन पेरेंट्स की आखिरी वक्त में उनका सहारा क्यों नहीं बन पाते, जब हम इनकी हाथ थाम कर अपने जीवन की पहली कदम बढ़ाने में उनका सहारा ले सकते हैं। तो फिर हम संतान बड़े होकर हमारे बूढ़े माँ बाप की आखिरी कदम बढ़ाने में उनका मदद क्यों नहीं कर पाते, आखिर क्यों उनके अंतिम दिनों में हम उनका सहारा नहीं बन सकते, क्यों उनके आखिरी वक्त में हम उनका साथ देने की बजाय उन्हें उनका साथ छोड़ देते हैं, उनके सहारा बनने के बजाय उन्हें बेसहारा कर देते हैं, उन्हें अकेला छोड़ कर उनसे दूर चले जाते हैं, आखिर क्यों? ऐसे ही हजारों सवाल राजेश मान और कल्याणी के सीने में तीर बनकर चुभ रहे थे। एक बार फिर उनके जीवन में अंधेरा हो गया था। पिछली बार रीति गया था तो वापस आने की एक उम्मीद भी थी, लेकिन इस बार तो जैसे ये उम्मीद भी खत्म सी हो गई थी। क्या इस बूढ़े माँ बाप की आखिरी सांस भी इस घर में अकेले ही जाएगी? क्या इंतज़ार कभी खत्म होगा? क्या इंतज़ार की इसी उम्मीद में घुट घुट कर इन बूढ़े माँ बाप की आखिरी सांस भी निकल जाएगी? कहते हैं कि तन से बड़ा खतरनाक घाव मन का होता है, कि कोई इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा होता है। शरीर के जख्म से ज्यादा मन और आत्मा की जख्म ज्यादा भयानक होती है। वो इंसान को बहुत जल्द निस्तनाबूद कर देती है, अंदर ही अंदर उसे खा जाती है। इसी तरह से अब राजेश मान के मन में भी अपने बेटे का दूर जाने का दर्द एक दिमागी जख्म बन चुका था, जो अब नासूर जख्म में परिणत हो रहा था। वो चाहते थे कि वो अपने जिंदगी की इस आखिरी वक्त में अपने बेटे रीति के साथ रहे, उसे बातें करे, उसके साथ घूमने फिरने जाए, एक साथ पूरा परिवार हंसी खुशी से रहे। लेकिन उन्हें लाचारी, तन्हाई, बेबसी और अकेलापन के सिवा और कुछ नहीं मिल सका। यही बात उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हर पल मन में स्ट्रेस, टेंशन और भीगी पलकों से वो अपनी जिंदगी के बीते हुए कल और आने वाले पल का मूल्यांकन करते रहते। उन्होंने खुद को अब और भी ज़्यादा दूसरे लोगों से दूर कर लिया था। न टाइम पे खाना खाना,
न टाइम पे सोना, रात भर जागती आँखों से पता नहीं क्या क्या सोचते रहते। रिति की बचपन की वो प्यार भरी यादें राजेश मान को अब और भी परेशान करती। वो एक पल के लिए भी अपने बेटे को भुला नहीं पा रहे थे। एक कमरे में बैठे बैठे अंधेरों में घिरी राजेश मान की जिंदगी बस चार दीवारी में सिमट कर रह गई थी। कहते हैं ना कि जब मन पर कोई बहुत बड़ा बोझ हो और दिमाग में शांति ना हो तो भला ये शरीर कब तक उसे संभाल सकता है। राजेश मान की भी अब तबीयत बिगड़ने लगी थी। रात भर जागने के कारण लाल लाल आंखें, शरीर में बहुत कमजोरी और बुखार, भूख नहीं लगना और शरीर दिन पर दिन दुबला पतला और कमजोर होते ही जा रहा था। फिर अचानक से एक दिन उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा खराब हो गई कि उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा और फिर अस्पताल में ही उन्हें सांस लेने में बहुत दिक्कत, बेचैनी और घबराहट आने लगी, जिसके कारण उन्हें तुरंत आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। बेचारी कल्याणी अपने उम्र की इस पड़ाव में भी हॉस्पिटल के सारे फॉर्मेलिटीज पूरा करते और भाग दौड़ करते नहीं थकती। आखिरकार इस समय राजेश मान का सहारा बस कल्याणी ही तो थी। उसने तुरंत अपने बेटे ऋतिक को कॉल करना चाहा, लेकिन उस समय ऋतिक से कांटेक्ट नहीं हो पाई। जिस समय इस बूढ़े माँ बाप को अपनी संतान की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहीं संतान आज इस घड़ी इनसे बहुत दूर सात समंदर पार खुद की दुनिया में खोया हुआ था। इधर राजेश मान की तबीयत और भी ज़्यादा सीरियस होते जा रही थी। वो अपने आखिरी वक्त में भी सिर्फ ऋतिक ऋतिक पुकार रहे थे। हॉस्पिटल के आईसीयू में पड़े एक बूढ़े लाचार और बेबस पिता के जीवन के आखिरी वक्त में भी जुबां पर बस ऋतिक ऋतिक ही नाम था। सच में बहुत ही हृदय विदारक और करुणामय दृश्य था ये, जो वहाँ उपस्थित सारे लोगों की आंखें नम कर दे रही थी। कल्याणी ने एक बार फिर फोन लगाया ऋतिक को। इस बार उधर से कॉल रिसीव हुआ, लेकिन फोन पर ऋतिक नहीं, ऋतिक की वाइफ एनी थी। माँ ने रोते हुए भरे गले से एनी को सारी घटना बताई और ये भी कहा कि राजेश मान अपनी आखिरी सांसों को थामे बस अपनी बेटे ऋतिक का ही नाम ले रहे हैं। कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। कल्याणी तो बस अपने बेटे और पति के बिछोड़, दुख, दर्द और तकलीफ से तड़प रही थी। इसलिए तो शायद उसने फोन पर यहाँ की सारी हालात और राजेश मान के सीरियस कंडीशन के बारे में एनी को पूरा बता दिया था। एनी ने उधर से फोन पर ही बेरुखी से जवाब दिया, अभी ऋतिक घर पर नहीं है, वो भी ऑफिस में एक जरूरी बिजनेस मीटिंग में है, वो जब वापस आएगा तो मैं उन्हें बता दूंगी। इतना कहकर एनी ने उधर से फोन काट दिया था। पश्चाताप करना जितना आसान है, प्रायश्चित करना उतना ही मुश्किल। कई बार हमसे जिंदगी में बहुत बड़ी भूल या गलती हो जाती है और जब तक हमें अपनी गलती का एहसास होता है तब तक शायद बहुत देर हो चुकी होती है, शायद बहुत ही ज़्यादा देर। हॉस्पिटल के आईसीयू में अपनी जिंदगी के
आखिरी सांसों को गिन रहे राजेश मान के जुबां पर सिर्फ उनके बेटे रीति का ही नाम था। वो मरने से पहले जैसे बस एक बार उसे जी भर कर देख लेना चाहते थे, उसे जी भर कर एक बच्चे की तरह प्यार करना चाहते थे, उसी के गोद में शायद अपनी अंतिम सांसों को विदा देना चाहते थे। लेकिन क्या ये मुमकिन था? जब राजेश मान की तबीयत और ज़्यादा खराब हुई तो उन्हें अब आईसीयू के वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। उन्हें सांसें लेने में काफ़ी तकलीफ होने लगी थी। गुजरते वक्त के हर एक लम्हों के साथ राजेश मान की तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी, जैसे उनके ज़िंदगी के अंतिम पल अब बहुत नज़दीक आ रहा था। पर अभी भी उनकी सुनी आँखों में अपने बेटे ऋतिक से मिलने की प्यास अधूरी थी। उनकी बिगड़ती हालात को देखकर डॉक्टर ने अब कल्याणी को यहाँ तक बोल दिया था कि अपने सगे संबंधियों को इन्फॉर्म कर दीजिए और हो सके तो अपने बेटे को बुला लीजिए, इनके पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। डॉक्टर की इन बातों ने राजेश कल्याणी को जैसे कल्याणी को अंदर तक तोड़ दिया था। वो एक बुजुर्ग महिला इस पूरे हॉस्पिटल में अकेले ही अपने पति का इलाज करा रही थी। कोई भी उनका अपना सगा संबंधी या रिलेटिव नहीं था, या दो दंपति तो आखिरकार एक दूसरे की जिंदगी के आखिरी सहारा थे। जिंदगी में पहली बार कल्याणी ने आज खुद को इतना अकेला, मजबूर और टूटा हुआ महसूस कर रही थी। जिंदगी के इस दौर में एकदम अकेला और तनहा। इधर यूएसए में लेट नाइट जब ऋतिक अपना मीटिंग ख़त्म करके घर पर आया तो एनी ने उसे माँ के कॉल के बारे में बताया। एनी के मुंह से अपने पिताजी की बीमारी और हॉस्पिटल में उनकी सीरियस कंडीशन में एडमिट की खबर सुनकर रीति को जैसे एक झटका सा लगा। वो तुरंत परेशान सा होकर एनी से बोला, अगर माँ का कॉल सुबह ही तुम्हें आया था तो तुमने मुझे उसी वक्त क्यों नहीं बताया? एनी ने बेरुखी से जवाब दिया, तुम ऑफिस में इतने ज़रूरी मीटिंग में थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, और वैसे भी क्या पता कहीं ये उन लोगों का कोई झूठा ड्रामा हो फिर से तुम्हें अपने पास बुलाने का। इतना सुनते ही ऋतिक जोर से बोला, नहीं एनी, माँ पिताजी की तबीयत की झूठी खबर कभी नहीं दे सकती है। अगर माँ ने फोन करके ऐसा कहा है तो ज़रूर वहाँ कुछ गलत हुआ होगा, ज़रूर कुछ गड़बड़ होगी। ऋतिक ने तुरंत माँ को उसी वक्त कॉल करना चाहा, परंतु उनसे कांटेक्ट नहीं हो पाई। उसने पिताजी के नंबर पे कांटेक्ट करनी चाही, बट उनका भी मोबाइल का स्विच ऑफ आ रहा था। घर के लैंडलाइन पे कॉल किया बट किसी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। अब रीति को ये एहसास होने लगा कि निश्चय ही कुछ बहुत बुरा हुआ होगा। उसने तुरंत उसी वक्त इमरजेंसी कॉल करके कल सुबह की फ्लाइट की टिकट कटाई और वापस नेपाल जाने की तैयारी करने लगा। एनी ने फिर से उसके साथ नेपाल जाने से साफ मना कर दिया था, लेकिन इसका रीति को कोई परवाह नहीं थी। वो इस वक्त सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ बाप के बारे में सोच रहा था। वो माँ बाप
जिन्होंने रीति को जन्म दिया, उसे बचपन से पाल पोस कर उसकी हर इच्छाओं को पूरा किया, उसे इतना बड़ा और काबिल इंसान बनाया कि आज वो अमेरिका जैसे बड़े देश में सक्सेसफुल लाइफ बिता रहा है और इतने ठाट बाट से रह रहा है। आखिर कर ये सब माँ बाप के पालन पोषण, शिक्षा, उनकी संस्कार और परवरिश का ही तो नतीजा था। आज वही माँ बाप इतने दुख तकलीफ में अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहे थे। रात का दूसरा पहर बीत चुका था, पर अमेरिका के उस बड़े शहर की शानदार फ्लैट के एयर कंडीशन रूम में भी आज रीति को नींद नहीं आ रही थी। पिताजी की ख्याल और उनकी यादों ने रीति को आज बेचैन कर दिया था। उसे बचपन की वो सारी बातें याद आने लगी थी, कैसे जब वो बचपन में बीमार पड़ता तो सारी रात पिताजी उसे गोद में लेकर उसकी सेवा करते, खुद रातों को जाग जाग कर उसे सुलाते और उसकी खुशी में हंसते और उसके गम में पिताजी की आंखें भी नम हो जाया करती। ओ पिता जिसने अपनी सारी उम्र की कमाई अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन और उसकी सही लालन पोषण में खर्च कर दिया था, जिसने अपनी जवानी की तमाम हसीन रातें जाग जाग कर अपने बीमार बेटे की सिरहाने बैठकर गुजारे थे, दिन रात उसकी केयर किया था, आज वही बाप अपने जिंदगी के अंतिम समय में अपने उसी बेटे से मिलने के लिए उसके इंतजार में इतना तड़प रहा है। रीति को अब खुद पर जैसे शर्म महसूस हो रही थी। आज उसे अपने किए उस हर एक फैसले और बर्ताव पर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। पश्चाताप और प्रायश्चित की आंसुओं ने रीति के पलके भिगो दिए। उसे अब ये एहसास हो चला था कि जिस झूठी सानो शौकत और ऐसो आराम की मृग तृष्णा में वो भटक रहा था, वो सब अपने फैमिली से दूर रहकर उनके अलावा कितनी खोखली लग रही थी। बिन माँ बाप के उसे आज ये धन दौलत, ये ऐसो आराम और यहाँ की हर फैसिलिटी एक बेमानी सी लग रही थी। सच में उससे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। जिस बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी उसे ही अकेला छोड़कर कायरो की भांति वो ज़्यादा पैसा कमाने की लालच में अपने वतन से इतना दूर भागा चलाया था। शायद उसने किसी के साथ भी वफादारी नहीं किया था, ना माँ बाप के साथ और ना ही अपने मातृभूमि और देश के साथ। बचपन से लेकर अब तक की उसके माँ बाप की सारी वो यादें रीति के मस्तिष्क में नाच उठे। बचपन की वो सारी प्यार भरी यादें जैसे रीति को आज नस्तर की भांति चुभ रही थी। माँ कल्याणी की ममता भरा वो स्पर्श, उसकी प्यार दुलार और बाप राजेश मान का वो संरक्षण, उसके संस्कार और आदर्श ने रीति को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। सारी रात वो भीगी पलकों से मन में पश्चाताप के बोझ लिए अतीत के पन्नों को पलटता रहा। माँ बाप, घर परिवार और बचपन से लेकर अब तक की वो सारी यादें उसे पश्चाताप की आग में जला रही थी। अब एक पल उसे सदियों जैसे लग रहा था। अपने पश्चाताप की बेचैनी में उसे एक दर्द भरी घुटन सी महसूस होने लगी थी। वो बस अब जल्दी से जल्द अपने घर पहुंचकर माँ बाप के कदमों में गिरकर अपने अब तक की भूल और गुनाहों की क्षमा मांगना चाहता था, उनसे माफी मांगना चाहता था। अपने किए के हर एक सलूक और व्यवहार के लिए वो अपने पेरेंट्स से माफी मांगना चाहता था
अपनी गुनाहों की क्षमा मांगना चाहता था। बचपन की सारी यादें और उससे उत्पन्न हुए पश्चाताप ने आज रीति का हृदय जैसे परिवर्तन कर दिया था। पश्चाताप के आग में जलते हुए अब वो जैसे अपने हर गुनाह को प्रायश्चित करना चाहता था। दर्द, तड़प, बेबसी और बेचैनी में लिपटा वो बस पूरी रात रोता रहा। पल के आंसुओं से भीग चुकी थी और मन में बस दुख, तकलीफ और पश्चाताप थी। यादों की कड़वी आहट ने उसे पूरी रात सोने नहीं दिया था। सुबह ऋतिक तुरंत घर से निकला और सीधे एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़कर वापस अपने देश की ओर लौट चला। इवसे से नेपाल की वापसी के दौरान भी फ्लाइट में ऋतिक अपने दर्द भरे यादों में खोया रहा। पूरे सफर के दौरान बस अपनी गलती का एहसास हो रहा था उसे और मन में तरह तरह के बुरे ख्यालात आ रहे थे। और राजेश मान कल्याणी की दर्द भरी यादें उसे जकड़ी हुई थी। एफ्टर नेक्स्ट सेकेंड डे सुबह करीब 10 बजे ऋतिक अपना घर पहुंचा। वहां से उसने पड़ोसियों से उस हॉस्पिटल का पता पहुंचा जहां पे कल्याणी और राजेश मान थे। हॉस्पिटल का एड्रेस मिलते ही ऋतिक भागते हुए उस हॉस्पिटल में पहुंचा। रिसेप्शन से पता करके ऋतिक जैसे ही आईसीयू के पास पहुंचा, माँ कल्याणी ने उसे दूर से ही पहचान लिया। बेटे के गले लगते ही माँ कल्याणी गिर ही पड़ती अगर उन्हें ऋतिक ने थाम न लिया होता। अपने बेटे रीति के गले लगकर कल्याणी जोर जोर से फूट फूट कर रोने लगी। माँ को ऐसे रोते देख ऋतिक इसे पहले कि कुछ समझ पाता, पास ही खड़े कुछ लोगों ने रीति को देखकर आपस में बात कर रहे ऋतिक ने सुना। पास खड़े एक लोग दूसरे आदमी से कह रहे थे, लगता है यही उनका वो बेटा है जिसका नाम वो मरने तक ले रहे थे। अपनी आखिरी सांसों में भी बस इसी का नाम था। बेचारे अपने इस बेटे का आखिरी बार मुंह भी देख ना पाया। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। इतना सुनते ही रीति को एक जोरदार झटका सा लगा। पूरे शरीर में जैसे किसी ने बिजली की करंट सटा दिया हो। वो तुरंत वहां से भागते दौड़ते हाफते हुआ आईसीयू के अंदर पहुंचा जहां पे राजेश मान की पार्थिव शरीर को रखा गया था। अभी रीति के आने से करीब 10 मिनट पहले ही उन्होंने अपनी जिंदगी की अंतिम सांस ली थी। अपने आंखों के सामने अपने मरे हुए पिता का शव देखकर ऋतिक जैसे जड़सा हो गया। उसे जैसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। रोते हुए ऋतिक के मुंह से दर्द भरा एक जोरदार चीख निकली, पिताजी। राजेश मान इस धरती से जा चुके थे। मरने के बाद भी उनकी सुनी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उनकी खुली आंखों में शायद उनके मरने के अंतिम क्षण तक रीति के लौट आने का इंतजार था। वो इंतजार जो कभी खत्म नहीं हुआ और अब भी उनकी पार्थिव उस शरीर की आंखें खुली हुई थी जिसमें शायद अभी भी अपने बेटे रीति के लौट आने का इंतजार हो। बस इंतजार हो। बेशक ऋतिक आ चुका था लेकिन उसके आने से 10 मिनट पहले ही उसके पिता राजेश मान इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे हमेशा हमेशा के लिए। लेकिन मरते हुए राजेश मान के आंखों में भी जैसे अपने बेटे के लौट आने का इंतजार अभी भी बाकी हो। बस इंतजार।
स्टोरी विथ अरुण पर अभी आप लोग सुन रहे थे मेरी कहानियाँ मेरे अल्फाज आरजे अरुण के साथ। आज की कहानी इंतजार। Yeah.